दोस्तों, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के बाद घरों में अक्सर ये खीले बच ही जाती हैं और मन में ये क्वेश्चन रहता है कि इनका क्या करें। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं लेकर आई हूँ। इस खील का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे मजेदार क्रिस्पी क्रंची कटलेट्स। इन्हें आप एज ए स्नैक्स सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग बाउल में एक कप खील डालें, आधा कप इसमें सूजी डाल दें, थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करें। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर दिया है और आधा कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है। अब इसे कवर करके कुछ देर रेस्ट पर रखें। इसके साथ ही हमने कुछ वेजेस ली हैं। एक आलू को छील कर लिया है, इसे ग्रेट करेंगे और इसमें से आधी गाजर को छील कर ग्रेट करके लेंगे। एक इस साइज का अनियन लिया है, इसे भी बारीक चॉप करेंगे। धनिया को मैंने काट कर लिया है और एक ये हरी मिर्च है, इसे भी बारीक काट लिया है। और ये एक इंच का अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट कर लिया है। इसमें कुछ स्पाइसेस और बाकी की सामग्री बनाते टाइम डालेंगे। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। तब तक हम इसके लिए चटपटी चटनी बनाएंगे। इसके साथ ये कटलेट खाने से कटलेट का टेस्ट कहीं गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने एक कटोरी भर के हरा धनिया काट कर डाला है। थोड़ा सा इसमें कैरी का अचार डालें। ये अचार बनाने की रेसिपी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चटनी का कलर एकदम ग्रीन रखने के लिए इसमें मैं 2 आइस क्यूब डालूंगी। सारे मसाले इस अचार में है ही, इसलिए हमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस अब इसे ग्राइंड कर लें और ये देखिए, एकदम हरी चटनी बनकर तैयार है। इसे एक कटोरी में निकाल कर रखेंगे। मिश्रण को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको अनकवर करेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सूजी हमारी फूल गई है और खील भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसमें ऐड करें। गाजर को भी ग्रेट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दें। प्याज को बारीक काट लिया है, ये भी इसमें डाल दें। साथ ही हरा धनिया ऐड करें, जिंजर ऐड करें और ये हरी मिर्च ऐड कर दें। सारी सामग्री को मिक्स करें। अभी हम इसे मिक्स करते टाइम इसमें नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि सब्जियां अपना पानी रिलीज करें और इसमें पानी की कंसिस्टेंसी पता चल जाए। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। बस इसे मिक्स करके 5 मिनट के रेस्ट पर और रख दें। ये देखिए, सब्जियों ने पानी रिलीज कर दिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें, आधा चम्मच जीरा डाल दें और इसका थोड़ा सा अरोमा बढ़ाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करें। थोड़ा इसे चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करें। आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करें। आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्रंच देने के लिए इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा। 2 टीस्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। इसको मिक्स करें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल को पीस कर इसे छान कर इस्तेमाल करें। 2 चम्मच इसमें बेसन ऐड करें। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर ये आपको थोड़ा ज्यादा गीला लग रहा है तो 1 चम्मच चावल का आटा और मिक्स कर दें। 1 चम्मच चावल का आटा मैं इसमें और डालूंगी, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। बस अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे और इधर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है। अब इसमें मनपसंद आकार के कटलेट बनाएंगे। इस तरह से इसे मैं थोड़ा बेलनाकार बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से सारे कटलेट बनाकर तैयार करें। और ये देखिए, सारे कटलेट मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब बारी आती है इनकी फ्राई करने की। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। गैस की फ्लेम पर मैंने एक आयरन की कढ़ाई रखी है और अब इसमें ऑयल गर्म हो गया है। 1 by 1 ये कटलेट्स इसमें डालें। एक बार में थोड़े ही कटलेट इसमें डालें, इन्हें ओवर क्राउडेड ना करें। फ्लेम को मीडियम कर दें, कुछ सेकंड इन्हें इसी तरह से सिकने दें।
और ये देखिए ऊपर की साइड में फ्लोट करने लगे हैं। अब इनको एक एक करके पलटेंगे। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ रहा है। बस अब इस तरह से कचली बीच में लगाएं, जिससे कि ये चारों तरफ से समान रूप से सिक सकें। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें, जिससे कि ये अंदर तक क्रंची हो जाएं। एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेकने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब एक मिनट तक इसे लो फ्लेम पर फ्राई करें। और ये देखिए दो मिनट मैंने इन्हें लो फ्लेम पर सेक लिया है और अब इनका कलर एकदम गोल्डन हो गया है। बस एक मिनट फ्लेम को फुल करें और इन्हें निकाल लें। ये देखिए नेक्स्ट बैच के कटलेट भी इसमें डालें। इसी तरह से इन्हें उलट पलट कर सेक लें। बस फ्लेम को ऑफ करें और इन्हें बाहर निकालें। और लीजिए दोस्तों, ये मजेदार क्रिस्पी चटाकेदार कटलेट बनकर तैयार हैं। हरी चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अंदर से सॉफ्ट हैं। दोस्तों अब आप भी क्रिस्पी क्रंची कटलेट की रेसिपी को ट्राई करें और लेफ्ट ओवर का मेक ओवर करें। अपना फीडबैक दें। रेसिपी के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।